हेलो, गुड आफ्टरनून डियर एस्पिरेंट्स। और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो आज का वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए होने वाला है जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में सोच रहे हैं, है ना। इससे पहले मैं दो वीडियोस सॉरी एक वीडियो सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो PW ने लॉन्च किया है उसके बारे में अपलोड पहले कर चुका हूँ। तो उसमें मैंने कहा था कि मैं बाद में कुछ कुछ टाइम होने के बाद, कुछ क्लासेस होने के बाद वापस से PW का जो ऑप्शनल का जो सोशियोलॉजी वाला जो उन्होंने ऑप्शनल का बैच लॉन्च किया है उसका रिव्यू मैं वापस से अपलोड करूंगा। तो उसी सीक्वेंस में अभी 2 हफ्ते लगभग हो चुके हैं सोशियोलॉजी की क्लासेस को चलते हुए और लगभग 12-13 क्लासेस के बाद ये रिव्यू आप सभी के सामने आ रहा है ना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपको बता दूं कि क्लासेस जो शुरू हुई, शुरुआती क्लासेस में सर ने जो बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करिए ताकि बच्चों को अलग से NCERT वगैरह पढ़ के आने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो अगर आपने NCERTs वगैरह नहीं भी पढ़ी हैं तो भी आप इस बैच के साथ जा सकते हैं, इस बैच को ले सकते हैं। और सर ने वो बेसिक्स को वहीं पर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करी और सच में हर चीज़ अच्छे से समझ भी आती है ना। उसके बाद जब सर ने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए उसके बाद सर मेंस के सिलेबस पे पहुंच जाते हैं, है ना। हम लोग मेंस का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इधर उधर कुछ भी कहीं से भी नहीं पढ़ाया जा रहा है ना, जैसा कि हमारे साथ काफ़ी GS के सब्जेक्ट्स में हुआ PW पर। हाँ, तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल में सर ने मेंस का सिलेबस उठाया है और सिलेबस के टॉपिक वाइज सर उसके नोट्स बनवा रहे हैं और टॉपिक वाइज चीज़ों को समझा रहे हैं। जो पहली यूनिट है सोशियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ है और उसका जो पहला पार्ट है मॉडर्न मॉडर्निटी सोशल चेंज इन यूरोप वाला, तो वो वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आप मॉडर्निटी हम लोगों ने पढ़ लिया कि मॉडर्निटी क्या होता है, सोशल चेंज क्या होता है। एंड आई थिंक कि एक लेमैन स्टूडेंट जो जिसने कभी सोशियोलॉजी को समझा भी नहीं है, जिसने कभी सोशियोलॉजी शायद सोचा भी नहीं था कि वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले सकता है, अगर वो भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहे और शेखर सर की क्लासेस का अगर रिव्यू चाहता है तो मैं 5 out of 5 देना चाहूंगा। अभी चलो 5 out of 5 नहीं तो 4.5 out of 5, वो हाफ इसलिए क्योंकि अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और हमने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं किए। तो एक बार अगर वो कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह हो उसके बाद हमें जो मार्क्स मिलते हैं, हमारा जो इवेल्यूएशन होता है, फिर उसके बेस पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली कैसी चीजें हैं। तो अभी के लिए जैसा सर पढ़ा रहे हैं उसके लिए मैं पढ़ाने के लिए तो 5 out of 5 ही दूंगा क्योंकि सिलेबस काफी अच्छे से चल रहा है, स्मूथ चल रहा है और सर कोई क्लास भी मिस नहीं करते हैं। अभी तक हमारी क्लासेस भी कॉन्टिन्यूअस रही है ना। तो सोशियोलॉजी अगर आप लोग PW का बैच लेने की सोच रहे हैं और लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर ले सकते हैं, आप उस बारे में बिल्कुल भी सोचिए मत, है ना। उसके बाद एक चीज और है, मुझे कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सोशियोलॉजी के नोट्स चाहिए। तो जो मेरे जो सोशियोलॉजी के नोट्स हैं मैं इसी वीडियो में अभी उनको डाल रहा हूँ, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उन्हें उनके स्क्रीनशॉट लेके आप चाहे तो उनको प्रेफर कर सकते हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि सोशियोलॉजी PW वाले कैसा पढ़ा रहे हैं, है ना। प्लीज इस वॉइस को थोड़ा सा जो साउंड है इसको इग्नोर कर दो और चलो नोट्स पे चलते हैं। ये नोट्स एक्चुअली जो मेंस का टॉपिक है वहीं से शुरू होते हैं ना। इसके अलावा कुछ बेसिक्स के नोट्स भी बने हुए हैं, इन केस अगर आप लोगों को वो नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वो बेसिक्स वाली वीडियोस का नोट्स अलग से डाल दूंगा।
ये सोशियोलॉजी के बेसिक्स वाला पार्ट है, आई डोंट थिंक कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पार्ट है उसका स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये थे मेरे नोट्स, और सोशियोलॉजी के ऑप्शनल का मैंने आपको रिव्यू भी दे दिया है कि अच्छा है, आप लोग उसको प्रेफर कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो टाइमिंग वाला पार्ट है, कुछ बच्चे टाइमिंग भी पूछ रहे थे है ना, और नोट्स का भी पूछ रहे थे। तो नोट्स का उन्होंने कहा है कि जब एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम उसके नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, और जो टाइमिंग का जो सीन है वो दिन में 3:30 से 5:30 बजे तक सोशियोलॉजी ऑप्शनल की क्लास होती है। ठीक है, थैंक यू गाइस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर इस वीडियो ने आपका थोड़ा सा भी हेल्प किया है तो, बिकॉज़ मैं इस तरह की वीडियोस डालता रहता हूँ है ना, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको हेल्प ही मिलेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।